अब नाचेंगे नेपाली डांस में तुमरे हमरे माया है कांची बाशी झोला। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि एक एक मेंबर से मेरी यूट्यूब फैमिली बनी हुई है। तो नाना जी ने पेट पे सांपा बांध रखा क्योंकि नाना जी का दर्द हो रहा है। ध्यान रखिए ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। खेलिक सयानु वे। चलो मैं उठकर बाहर देखा तो अरे वाह 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 वाह, आधा दिन तो ढल गया है और बाकी माँ भी आ गई खेतों से, कंडी में घास ला रखा है। चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धांतरी गाँव से। तो मौसम तो बिल्कुल साफ नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़े बड़े बादल आ गए और बाकी यहाँ से थोड़ा बहुत नीला आसमान है और सूर्य देव तो यहाँ आ गए हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद सूर्य देव भी अपने दूसरे देश में जाने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरे YouTube चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दिए हैं। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के द्वारा मुझे बधाई दे रहे हैं, तो बाकी जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी तो उनसे मैं माफी चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग नाराज मत होना क्योंकि एक एक मेंबर से मेरी YouTube फैमिली बनी हुई है तो मैं नहीं चाहता कोई एक भी नाराज हो। और बाकी अभी तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पौड़ी गढ़वाल यानी कि अंकित भाई की शादी में और समय लगभग दिन की 1 बज गई और फाइनली सुबह से हम लगे थे तैयारी करने पे, कपड़े पैक करने पे, अब जाके हमें टाइम मिला ब्लॉग शूट करने का। बाकी यहाँ की बात करें हमला किस पगली के साथ लगाओ? बस किस पगली के साथ लगना है, पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको 1,00,000। बहुत बहुत धन्यवाद बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है ना, बढ़िया हो गया तैयार? अब नाचेंगे नेपाली डांस में तुमरे हमरे माया है कांची बाशी झोला देहरादून मा। बाकी यहाँ पर नाना जी बैठे हैं। नाना जी ठीक है, स्वास्थ्य पानी? चलो ठीक है ठीक है। तो बाकी चलो थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से क्योंकि आज का सफर 200 किलोमीटर प्लस होने वाला है। क्या बोला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आज हमारी भी रेलगाड़ी बनने वाली है। वैसे तो रेलगाड़ी बनी है पर वैसे हमारी जिंदगी की पटरी पे कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही है। पटरी तो है पर रेल नहीं चली, उस पटरी पे भी आज जंक लगने वाला है। तो बाकी अखिल भाई भी आ रहे, तो अखिल भाई जैसे आएंगे फिर निकलते हैं यहाँ से। और माँ बोल रही गर्म गर्म चाय, तो पिला दे माँ जाते जाते एक गिलास चाय। और बाकी माँ आज आपके बेटे के YouTube चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए यानी कि 1,00,000 लोग हमारे साथ जुड़ गए। धन्यवाद सपोर्ट करी कुशल मंगल तुमको परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, माँ ने भी सबको आशीर्वाद दे दिया है। बाकी माँ के चेहरे पर ये मुस्कान ऐसी बनाए रखना, क्यों? चलो ठीक है, धन्यवाद, जय हो जय हो जय हो। और बाकी माँ बना रही तब तक गर्मा गर्म चाय, तो मैं माँ दुर्गा के प्रांगण में चले जाता हूँ और माँ का भी आशीर्वाद लेता हूँ। क्यों, एक इस माँ का साथ रहा तो एक उस माँ का भी साथ रहा। चले फिर माँ का आशीर्वाद भी ले लेता हूँ क्योंकि मैं आज लंबी यात्रा कर रहा हूँ। बाकी चली जी माँ के दर्शन भी कर लिए और बाकी अब अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी भी हो गई है तो इनके आजकल टेस्ट चल रहे हैं। माँ के प्रांगण में प्रसाद भी मिला। अब देखिए जी समय तो बहुत ज्यादा हो गया लेकिन क्या करें, आज जाना भी जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले हमने माँ का आशीर्वाद लिया क्योंकि जब माँ साथ में तो फिर किस बात की टेंशन। बाकी धीरे धीरे चलते रहेंगे तो 7 से 8 बजे तक हम अंकित भाई के घर तक पहुँच ही जाएंगे। बस फर्क यही, 2-व्हीलर हमारे पास, 4-व्हीलर नहीं है, 4-व्हीलर की औकात नहीं हमारी। बाकी चलो भाई, माँ भी गर्मा गर्म चाय बना रही है। माँ प्रसाद, तो चलो भाई, माँ ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। तो फटाफट गर्मा गर्म चाय पीते, तब तक अखिल भाई भी आने वाले हैं। तो चलो भाई गर्मा गर्म चाय पी ली, बाकी अखिल भाई भी आ गए हैं। हेलो अखिल भाई, बिल्कुल टाइम से आए, कल से निकले हुए आज पहुंचे यहाँ। और ठीक है, रास्ता बहुत लंबा है ना? बहुत लंबा है भाई साहब, 3-4 किलोमीटर तो है ही नहीं। चले अब बाकी निकलते यहाँ से, अब लंबी यात्रा भाई साहब, लगभग 1:30 बज गए आज, तो चलो निकलते हैं। बाकी नाना जी ने पेट पे सांपा बांध रखा क्योंकि नाना जी का दर्द हो रहा है। चलो ठीक नाना जी, तब है ठीक, तब आराम से रहे, आराम से अपना घर है, कोई नहीं। बाकी माँ जी ध्यान रखिए ध्यान रखिए। अच्छा अच्छा, यात्रा शुरू करने से पहले ऐसा बोलना चाहे, ये हनुमान जी जो है लंका में गया था, जब उसने मंत्र बोला था, जाना है तो कोई कार्य में कोई विलम्ब नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो नाना जी बोल रहे हैं यात्रा शुरू करने से पहले ये जरूर बोलना चाहे, बल्कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलो फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलो भाई, मेरे मित्र मंडलियों में से कुछ अपने रिश्तेदार भी आ गए हैं। और रिसो क्या हाल है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पा अल्टी मत बोलना, खबरदार बात सब करना,
पार्टी मत मांगना कोई, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं बस। जब मैं आ जाऊंगा तो जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो बाकी चलो फिर सड़क के ऊपर आगे। बाकी हमारा गांव यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और समय हो रहा है अभी दिन की 1:43। तो आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो मात्र शक्ति लगी है काम पर। तो चलो भाई फाइनली निकल गए हम यहाँ से। और बाकी थोड़ा बहुत लेट हो गई है निकलने में, लेकिन चलिए कोई नहीं, दो तीन दोस्त है तो आराम आराम से चलेंगे। और अंकित भाई से भी बात हो ही रही है। अब थोड़ा पहाड़ों की रोड पे समय तो लग ही जाता है, अगर प्लेन्स की रोड होती तो 2-3 घंटे का सफर होता। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस पहाड़ी भाई को इस मुकाम पे ले गए और अपने इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं मेरे माँ बाप ने जो देख रखे हैं। वो सपने मेरे तभी पूरे होंगे जब आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों का तो मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। कहा मैं 3 साल पहले सोचता था कि कब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, सिल्वर प्ले बटन कैसा होता होगा। यूट्यूब पे सर्च मारता था कि सिल्वर प्ले बटन कब मिलता है, कैसे अप्लाई करना होता है, 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे होते हैं। लेकिन 3 साल में जब धीरे धीरे ब्लॉग बनाता रहा, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया कि जब सिल्वर प्ले बटन कुछ दिनों बाद मेरे हाथ में आने वाला है। और आप लोग बेफिक्र रहिए, मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि 1 लाख के बाद मैं भंडारा कराऊंगा, तो कुछ दिनों बाद वो भी जरूर करूंगा जैसे ही पिताजी हिमाचल से ऊपर आएंगे। बाकी पिताजी भी अब हिमाचल से ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी अपने गाँव से 14 किलोमीटर दूर दमगांव मार्केट में पहुँच गए हैं। और दमगांव मार्केट काफी बड़ा मार्केट है भाई, तो हमारे गाँव में जो सामान नहीं मिलता है तो हम फिर यहीं आते हैं सामान लेने। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी मोटना गांव में पहुंच गए हैं। बाकी यहां से आगे एक रोड ऊपर के लिए जाती है और एक सीधे आगे जाती है, तो जो सीधे आगे जाती है वो जाती है चंबा ऋषिकेश के लिए। बाकी हमें आगे जाके अब राइट टर्न लेना, यानी कि ऊपर के लिए जाना है, वही जाती है रजाखेत होके सीधे श्रीनगर। तो मोटना से हम लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे एक जगह पर रुके हैं। तो अभी अखिल भाई भी आ रहे हैं, तो अखिल भाई थोड़ा पीछे छूट गए हैं। और बाकी ठीक नीचे देखिए, ये है टिहरी डैम जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब देखिए जी, वैसे तो नीचे टिहरी डैम है, लेकिन यहाँ जितने भी गाँव है उन गाँव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या बनी रहती है, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ क्या कि हर गाँव में हैंडपंप बने हुए हैं, तो लोग उसी पे निर्भर रहते हैं। पूरी सूखी हुई जमीन है भाई, यहाँ पानी की बहुत किल्लत है भाई। और एक हिसाब से यहाँ की बात किया तो ये सबसे गर्म वाला एरिया है। बाकी पहले क्या था कि जब यहाँ से लोगों को उस वाले गांव में जाना होता था सामने पे, तो ठीक सामने पे देखिए तो यहाँ ट्रॉली भी लगा रखी थी, लेकिन अब तो खैर सड़क चले गई तो लोग अब सड़क से ही होकर जाते हैं वहाँ। जब से डोबरा चाटी पुल बना है तब से लोगों के लिए बहुत सरल हो गया है। तो अभी तो हमें बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना है, तो मैंने बाइक का मीटर ट्रिप कर रखा है, तो देखते हैं आज का सफर कितना चलेंगे। तो चलो भाई, अखिल भाई भी आ गए हैं, तो इन्हीं को हम रुके हुए थे यहाँ। तो चलिए जी, निकल पड़े हम आगे के सफर के लिए। और बाकी देखो जी, दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो दोस्त आपके साथ सफर में चल रहे हैं तो कोशिश करो कि सब साथ में चलें। कोई भी अगर पीछे रहता है तो जरूर उनके लिए रुकना चाहिए। भले अखिल भाई मेरे से आगे चले गए, अभी बुरा तो लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाके उसको रुकना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस केस कर दूंगा इस पे। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे देखो भाई, ये दिखाई दे रहा है यहाँ डोबरा चाटी पुल। टिहरी झील का कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। आज तो खैर पूरा टिहरी पानी में समा रखा, लेकिन 2004-05 में जब नेगी जी का एक गाना आया था तो उस गाने को सुन के आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम टिहरी डैम बन ही रहा था। बेटी जायो गोला दी डोंजो मा खेलिक सयानु वे तू ग्वालिया लगन जे डिंडियाली जे चौक जो बाटो अणु जानू रे तू जो बाटो अणु जानू रे तू कखन देखण लठ्याला त्वेन जलम भूमि या फिर। खैर आज तो जमाना बहुत आगे चले गया है, आज तो इस गाने को सुन के उन्हीं के आंखों में आंसू आ सकते हैं जिन्होंने इस गाने को पहले सुना था। वो दौर अलग था, अब तो अलग ही दौर आ गया है। चले अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी टिहरी तो पानी में समा चुकी है कब की, लेकिन आज भी जो टिहरी की यादें हैं वो नेगी जी के गानों में अमर है। हाँ मैं प्रवक्ता हूँ, चले चलो भाई साहब, चलो फिर।
तो बाकी ठीक सामने पे ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है ये है पिपल डाली का पुल। तो ये बहुत पुराना पुल है भाई, यानी कि जब टिहरी डैम नया नया बन रहा था तो ये तब से ये पुल बना हुआ है, लोग पहले अक्सर इसी पुल से होकर आते थे। तो चलो भाई अभी हम पिपल डाली के पुल के ऊपर चल रहे हैं। मैं लाइफ में इस पुल के ऊपर तीसरी या चौथी बार चल रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि इस पुल के ऊपर बड़ी बस आना अलाउड नहीं है। तो पिपल डाली से आगे आने के बाद हम एक जगह पे रुके हैं, इस जगह का नाम है पोखाल। बाकी यहाँ है जवाहर नवोदय विद्यालय पोखाल टिहरी गढ़वाल। जो लोकेश बुलाया उसका छोटा भाई यहीं पढ़ता है तो वो उसको मिलने आ रखा है। बाकी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि टिहरी में एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, तो आज जिंदगी में देखने का सौभाग्य मिल गया। वो भी लोकेश भाई का छोटा भाई पढ़ता है यहाँ, तब जाके आया आज। सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी कीर्ति नगर में पहुंच गए हैं। बाकी यहां से श्रीनगर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है। तो चलो अब फाइनली हम श्रीनगर पहुंच गए हैं और बाकी अब हमें यहां से आगे मुड़कर राइट टर्न लेना है जो कि पौड़ी गढ़वाल के लिए निकलता है। तो बाकी अब हमने पौड़ी वाला रूट पकड़ लिया है, तो अब हमें पूरा 30 से 32 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो समय अभी शाम की 5:15 बज रही है और श्रीनगर से हम 3 किलोमीटर आगे पे आ रखे हैं और यहाँ से देखिए श्रीनगर का कितना खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। और बाकी ठीक सामने ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये है अलकनंदा नदी। और बाकी वह काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ से श्रीनगर का, और चारों तरफ की वादियां भी काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और बाकी हमें अभी और लंबा सफर तय करना है। और बाकी आज जो हम चले अभी 114 किलोमीटर चले हैं, तो अभी लगभग हमें 80-90 किलोमीटर और चलना है। तो चलो भाई निकल पड़े हम अब पौड़ी के लिए, और बाकी पौड़ी की दूरी अभी भी लगभग 28-29 किलोमीटर है। बाकी जैसी जैसी हम ऊपर चढ़ाई चल रहे हैं वैसी वैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, यानी कि अब लग रहा है मुझे कि जैकेट का फायदा तो अब हो रहा है। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी पौड़ी में पहुंच गए हैं। बाकी यहां से अभी पावो की दूरी है 30 किलोमीटर और फिर पावो से अंकित भाई के गांव की दूरी है 30 किलोमीटर। समय अभी शाम की 6 बज गई है, आधे घंटे में तो लगभग पूरा अंधेरा होने वाला है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी पहुंचने में। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी पावो मार्केट में पहुंच गए हैं। बाकी यहां से भी अभी 30 किलोमीटर और जाना है, तो देखते हैं या तो यही कहीं कमरा लेते हैं या तो फिर आगे चलते हैं, वैसे अंकित भाई से एक बार बात कर लेते हैं। बाकी पावो मार्केट भी लगभग पूरी दुकानें बंद हो रखी है। तो समय अभी 6:51 हो रहा है, तो फाइनली अंकित भाई से बात हो गई है और आज हम यहीं पावो मार्केट में रह रहे हैं। कमरा भी हमने ले लिया है क्योंकि यहां से अभी भी 33 किलोमीटर और दूर है, और ऊपर से क्या रिस्क है कि जो अंकित भाई के गांव के अगल बगल के गांव है वहां बहुत सारी जगह प्लान हो रखा है, तो हम नहीं चाहते कि रिस्क लें। और सबसे बड़ी बात है कि वहां शाम को 6-7 बजे बाघ दिखते हैं, तो हमें तो यहीं 7 बज गई, तो इससे बड़े अब कल ही जाएंगे। और ये जो रूम है ये अंकित भाई ने ही दिलाया हमें, होटल के जो मालिक है उनकी भी बात कराई उनसे। तो बाकी हमें कैसा लग रहा है? हालत खराब हो गई भाई। दोनों की हालत खराब हो गई भाई। खैर हालत तो मेरी भी खराब हो गई लेकिन मैं थोड़ा मुस्कुराता रहता हूँ, अकेला होना क्या करो। अच्छा हम भी अकेले हैं भाई, यार दबा आदमी। खैर ये हम कुछ महीने बाद इनकी शादी है, तुम्हारी तो बर्बादी चल रही है। तुम्हारा मुस्कुराने का ना माँ कसम पता करना पड़ेगा एक दिन। और सबकी हालत खराब हो गई भाई, खांसी सबको हो रही, बहुत ज्यादा ठंड है भाई यहाँ। वो तो हमने अच्छा किया कि घर से जैकेट पहन के आए, जबकि हमें श्रीनगर साइड ऐसा लग रहा था कि जैकेट बेकार लगे, लेकिन नहीं भाई सबसे बढ़िया क्या भाई जैकेट मिला हमें। बाकी चलो आराम करते हैं, थोड़ा खाना खाने चलते होटल में। क्यों फिर ये हमारा डबल बेड, आज इसके ऊपर सोना भाई, ठीक है? तो बाकी चलिए जी चलते हैं, पहले तो सर दर्द हो रहा, पहले अपने लिए हेडेक की दवाई ले लेते हैं। और फिर आईडी कार्ड है ये भी देना पड़ता है, और बहुत जरूरी है सिक्योरिटी पर्पस से। तो चलिए जी सबसे पहले आईडी कार्ड दे देते हैं। तो चलो मैं वेरिफिकेशन भी वहाँ कर लिया है, यानी कि जो अपना आधार कार्ड है उसकी एंट्री भी वहाँ करवा ली है। बाकी हम जा रहे हैं अभी होटल में खाना खाने, और अभी मैं चल रहा हूँ पावो मार्केट में। जैसे हमारे गाँव के मार्केट में बहुत सारे पशु बैठे रहते हैं सड़क पे, वैसे यहाँ भी बैठ रखे भाई। समय अभी 7 बज रहे और पावो मार्केट में आधे से ज्यादा दुकान तो बंद हो गई है, कुछ ही गिने चुने लोग खुला हैं। और बाकी हम खाना खाएंगे इस वाले होटल में। बाकी चलो भाई आज का खाना भी लग गया है। बाकी भाई आज रात के खाने में है दाल रोटी और छोले।